टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो अपने विकासशील कार्यों से लोगों के बीच में चर्चा में बने रहते हैं। मथुरा महतो दिखे पशु पक्षियों के प्रेमी, जो कभी नहीं भूलते इन्हें दाना देने। कोयला की नगरी में रहने के बावजूद भी बेदाग है टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो। झारखंड के धनबाद कोयलांचल देश में काले हीरे की नगरी से प्रख्यात है। आज हम इसी काले हीरे की नगरी के एक ऐसे विधायक के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कोयले की नगरी में रहते हुए भी अपने विकासशील कार्यों से जनता के बीच चर्चों में रहते हैं। वो और कोई नहीं, झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री व टुंडी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक मथुरा प्रसाद महतो है, जो कई बार झारखंड विधानसभा में सदस्य, राजस्व और भूमि सुधार मंत्री मंडल में मंत्री रह चुके हैं, जो प्रातः सुबह अपने कपूरिया स्थित पेमिया ऋषिकेश पब्लिक स्कूल में मॉर्निंग वॉक करते हैं। इसके अलावा मथुरा जी पशु पक्षी के प्रेमी भी हैं, जो प्रत्येक दिन स्कूल के प्रांगण में कबूतरों, मछलियों व खरगोशों को दाना खिलाते। विधायक मथुरा प्रसाद महतो के बारे में जनता की राय सबसे अलग है। मंत्री का पद में रहने के बावजूद भी उनके रहन सहन और व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिला। विधायक रहने पर भी इनके मन में किसी तरह के घमंड, द्वेष किसी के प्रति नहीं देखने को मिला। इनमें जात पात, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है। धनबाद कोयलांचल के काले हीरे की नगरी में विधायक होने के बावजूद भी मथुरा जी बेदाग है। उनके ऊपर किसी प्रकार रंगदारी, आउटसोर्सिंग कंपनियों पर हंगामा करने की एक भी शिकायत नहीं है। उनके परिवार में से किसी भी सदस्य ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिनसे उनके छवि पर किसी तरह की कोई भी आंच आई हो। इनके इन्हीं छवि और सादगी के कारण झामुमो सुप्रीमो सीबू सोरेन उन्हें बड़े ही सम्मान के साथ मथुरा बाबू कहकर बुलाते हैं। मथुरा महतो सीबू सोरेन के सबसे करीबी विधायकों में से एक हैं, जो अपने क्षेत्र में विकासशील कार्यों से जनता के बीच चर्चों में रहते हैं। वहीं झारखंड विधानसभा के कई ऐसे सदस्य विवादों व आपराधिक मामलों में संलिप्त रहने के कारण झारखंड के लोगों के बीच चर्चित रहते हैं। उन्हीं विधायकों में से कुछ विधायक मंत्री पद के लिए सुशोभित होते हैं। इन विधायक और मंत्रियों पर कई हत्याचार एवं भ्रष्टाचार के आरोप आए दिन लगते रहते हैं। इन विधायकों और मंत्रियों की दबंग रवैये से झारखंड की जनता घबराती है। जल जंगल जमीन तो झारखंड का पहचान है, और जहाँ तक है लूट है तो लूट का पर्टिकुलर कहीं पर हुआ है तो आपको जानकारी है तो बताइए, उस पर हम लोग संज्ञान लेंगे। और जहाँ तक झारखंड का बेरोजगारी का सवाल है, तो ये पूरे जो है जब से झारखंड बना है तब से राज्य सरकार जो भी रहा है उस पर गंभीरतापूर्वक नहीं विचार किया गया, और जब से माननीय हेमंत सोरेन का सरकार बना है तब से तो हम लोग कोरोना से ही पूरे देश के लोग और झारखंड के लोग हम लोग ही रहे हैं, और आने वाला समय जैसे ही सुधार होगा इस पर काम होगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव से पहले भी बोला था कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, और रोजगार के साल पर कल ही हम लोगों ने एक प्रवर समिति की बैठक हुआ जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि जो भी संस्थानें यहाँ पर झारखंड में लगेगी जो खुलेगा उसमें 75% जो है हम लोगों ने स्थानीय लोगों को देंगे, और यह बिल हम लोग आने वाले जो सत्र है 3 सितंबर से उसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो बिल आ जाएगा और झारखंड में पारित होगा, उसका लाभ युवाओं को मिलेगा। आप पूर्व में मंत्रिमंडल में मंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में मंत्रालय में आपको जगह नहीं मिल पाई, इस पर क्या विचार? देखिए, ये तो मंत्रालय मिलना नहीं मिलना ये तो पार्टी डिसाइड करती है ना, तो जब हमको मिला हमने आगे बढ़ के काम किया, और जब पार्टी चाहेगी जब कभी जिस किसी को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगा उनको, हमें कोई मलाल नहीं है कि हमें नहीं बनाया इसका। देखा जाए तो आए दिन कोयलांचल में गोलीबारी की घटना होती रहती है और कोयलांचल को आसाम अपराधियों द्वारा किया जाता है, इस पर वर्तमान में आपकी सरकार है, इसमें क्या कुछ देखिए, अपराधी सरकार किसी का रहे, अपराधी अपराधी होता है, और जो भी अपराध करते हैं उस शिकंजे में कानून का आ ही जाता है और उस पर कार्रवाई होता है, और इस पर भी कहीं भी अगर उस तरह का मामला बनता है तो कार्रवाई होगा।
अभी कुछ दिन पहले बागमार प्रखंड अंतर्गत तारगा में गोलीबारी, जमीन विवाद में गोलीबारी की घटना हुई। ये तो आपसी रंजिश चलता रहता है, अगर कोई अपने अपने घर में अपने भाई भाई लड़ेगा तो उसमें सरकार क्या करेगी, उस पर तो जो कानून बनता है उस पर कार्रवाई करेगी।